यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एक यूनिक कंटेंट किया है, वो कि 2021 का जितने भी हमारे जो टीम्स हैं उनका जो अप्स एंड डाउन्स, उनका 2021 ईयर कैसा रहा, ये मैं आप सबको बताने वाला हूँ। उन्होंने कौन कौन से टूर्नामेंट जीते, उनका कैसा क्या सब था। सो वीडियो मतलब आज की जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के बारे में, जिनको तो भाई आप सब जानते होंगे, जिनको लीड करते हैं हमारे TG फौजी अजय। तो यार जो हमारा 2021 का स्टार्टिंग था, वहाँ पे जो हमारी टीम थी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, भाई कहीं ना कहीं वो थोड़ा मतलब हमें स्ट्रगल करते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि जो लेजेंडरी लाइन थी हमारी टीम माफियाज की, जो कि थी हमारी वासियो माफिया बाला गोल्डन एंड फौजी अजय, वो टूट चुकी थी। जो हमारे वासियो एंड गोल्डन थे भाई, उन्होंने टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स लीव कर दी थी। टोटल गेमिंग को तलाश थी अब दो प्लेयर्स की, एंड उन्होंने मिले थे वो हमारे जावा बॉय एंड प्रिंस। फिर हमारा टाइटल इन्विटेशनल आया था, जो कि इन्विटेशनल टूर्नामेंट था, वहाँ पे जो हमारा क्लैश स्क्वाड मोड था, वहाँ पे जो हम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स थी भाई वो फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। लेकिन जो BR मोड, जो हमारा फुल मैप मोड था, वहाँ पे जो हमारा टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है भाई वो आई थी हमारे 7th पोजीशन पे। मतलब क्योंकि यार देखो फुल मैप में आपको मतलब सब कुछ चाहिए भाई, कोऑर्डिनेशन एंड CS में क्या, अगर आपके पास फायर पावर है तो भाई मतलब आप CS इजीली खेल सकते हो, लेकिन फुल मैप में आपको क्या चाहिए भाई, कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई, स्किल्स विल्स मतलब बहुत कुछ चाहिए। तो जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है फुल मैप में मतलब थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रही थी। एंड उसके बाद हमारे जो माइनर टूर्नामेंट्स है वहाँ पे भी जो टोटली थे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। फिर एक टूर्नामेंट था हमारा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कोन के Season 1, वहाँ पे हमें TG का जो डाउनफॉल है भाई वो देखने को मिला, वो आई थी हमारे 9th पोजीशन पे। फिर क्वालकॉम के कुछ दिन बाद ही था हमारा FFIC, जहाँ पे जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट थी, जो हमारी TG ई स्पोर्ट्स थी भाई वो 12th पोजीशन पे आई थी, एंड ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। एंड जो हेटर्स थे भाई वो हेट करने लगे थे हमारे फौजी अजय को, अज्जू भाई को, एंड पूरी की पूरी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की लाइनअप को, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं था कि जो हमारे फौजी अजय थे, जिस दिन हमारा फाइनल्स था FFIC का, उस जो उनके फादर है उनको हार्ट अटैक आया था, एंड फौजी अजय मतलब उतना उनके दिमाग में प्रेशर लगे फादर को हार्ट अटैक आया, एंड उसी के बीच में भाई वो टूर्नामेंट गए, तो बहुत बड़ी बात थी। लोगों के पास पता नहीं था, लोग बिना मतलब उनको हेट दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, क्योंकि यार जब आपके पापा को मतलब ऐसा कुछ हो तो भाई आपका जो माइंड है मतलब वो बिल्कुल एकदम ब्लॉक हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। और उस सिचुएशन में हमारे फौजी अजय भाई वो एक अपनी टीम को इतने बड़े टूर्नामेंट लीड कर रहे थे एंड वो खेल रहे थे भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और उसके बाद भी मतलब कई सारे टूर्नामेंट्स, माइनर टूर्नामेंट्स, वहाँ पर जो टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स थी उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को नहीं मिला था। तो जब वो एंड प्रिंस थे उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन था मतलब वो सही से नहीं बन रहा था, तो उन्होंने फैसला लिया था कि जो जवाब बॉय एंड प्रिंस है उनको कर दे रिलीज। तो फिर उन्होंने दो न्यू प्लेयर्स ऐड किए अपने लाइनअप में, जो कि थे हमारे डिलीट एंड माफिया, जिनको तो भाई आप सब जानते ही हो। डिलीट एंड माफिया के ऐड होने के बाद जो हमारी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स थी भाई वो धमाका मचा रही थी। डिलीट के शॉर्टेज में 1v3 1v4 क्लचेस, माफिया का भाई जो उनका जो कवर दे रहे थे स्नाइपिंग से वो, एंड फिर जो हमारा बुआ स्ट्रीमर रॉयल हुआ था वहाँ पे जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स थी भाई वो फर्स्ट आई थी। एंड उसके बाद जो हमारा फ्री फायर प्रो लीग हुआ था वहाँ पे भी जो हमारी टीम थी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो आई थी हमारे फर्स्ट पोजीशन पे। फॉर द फ्री फायर प्रो लीग इंडिया 2021 जो पहला एडिशन था, हु इज इट, हु आर आवर चैंपियंस, एंड आई कांट वेट, बट आवर चैंपियंस आर टोटल गेमिंग। कांग्रेचुलेशंस टू टोटल गेमिंग फॉर विनिंग द फ्री फायर प्रो लीग, बहुत जरूरत थी एक बड़े। देन उसके बाद ही वो हमारा बुआ लीग समर 2021, जहाँ पे फिर से जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है भाई आई थे हमारे फर्स्ट पोजीशन पे। एंड जितने भी माइनर टूर्नामेंट्स हो रहे थे वहाँ पे जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स थी भाई मतलब एकदम तहलका मचा रही थी। जो डिलीट भाई 1v4 क्लचेस अगेंस्ट बड़ी बड़ी टीम्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, एंड डिलीट था भाई मतलब उस टाइम पे ना मतलब वो बहुत ज़्यादा फेम कमा लिया था उसकी गेम प्ले के दम पे। फिर कुछ मेजर अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स हो जहाँ पे जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स थी उन्होंने अच्छा फॉर्म किया था, जैसे कि हमारा ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, जहाँ पे वो आई थी हमारे 4th पोजीशन पे। देन यार उसके बाद आया हमारा FFIC 2021 जो अभी मैं रिसेंटली हुआ था, जिसको जो हमारी टीम लीडर उन्होंने जीत लिया था। तो यहाँ पे जो हमारी टीम थी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उन्होंने सिक्योर किया था भाई 3rd पोजीशन, एंड वो क्वालिफाई हो गई थी हमारे फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के लिए, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था भाई उनके लिए, उनके फैंस के लिए, एंड उनके हेटर्स थे भाई मतलब अभी उनसे जल रहे थे। लेकिन जो हमारा फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप है वहाँ पे जो टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है मतलब फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी,
वो हमारे प्लेन्स खेली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई वो हमारे फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन उन्हें हेट नहीं मिला था क्योंकि भाई उन्होंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड उन्हें बहुत कम हेट मिला था जो हमारा एशिया चैंपियनशिप था वहाँ पे। एंड उसके बाद भाई अभी के टाइम पे जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स है वो कितने ज़्यादा ओवर पावर है, एंड अभी उन्होंने अपने टीम पे एडिशन भी किया जो कि हमारे रोहित एंड ड्रैगो भाई, वो सब आपको पता ही है। एंड अभी जो ये टीम है भाई ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर टीम हो चुकी है, इनके फायर पावर, इनका भाईचारा, इनकी जो फौजी की जो लीडिंग स्किल्स है भाई वो सब आपको पता है कि कितना मस्त है। तो यही थे अप्स एंड डाउन जो हमारे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने फेस किए थे। शुरुआत ही मतलब कुछ महीनों में मतलब वो थोड़ा अजब फॉर्म नहीं किए थे, हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन जब से टीम में डिजिटल माफिया भाई जो टीम थी मतलब वो मचा रही थी, एंड अभी भी जो टीम है भाई रोहित एंड ड्रैगो के आने के बाद भी जो टीम है वो मचा ही रही है।